हेलो गाइस, वेलकम टू वी एन टेक एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, रेडमी नोट 11 प्रो 5G जो ग्लोबली लॉन्च हुआ था, वो स्मार्टफोन इंडिया में आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिल सकता है। वैसे 11 सीरीज में रेडमी नोट 11S और रेडमी नोट 11 5G दोनों स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च हो गए। अब रेडमी नोट 11 प्रो 5G बहुत ही जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाला है। वैसे इसकी फुल स्पेसिफिकेशन आ गई है, साथ में स्मार्टफोन क्या प्राइस रेंज में इंडिया में लॉन्च हो सकता है, सभी के बारे में लीक निकल कर आ चुकी है। आप इस वीडियो को शुरू से तक पूरा देखते रहिए, जिसमें मैं आपको रेडमी नोट 11 प्रो 5G की फुल डिटेल्स बताने वाला हूँ। और वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे कर दीजिए। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या स्पेसिफिकेशन के साथ ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होगा उसके बारे में बात करें तो इस वाले स्मार्टफोन में 6.67 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले होगी, 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश, एशिया 10 प्लस का सपोर्ट डिस्प्ले में होगा, साथ में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन और सेंटर पंच होल डिस्प्ले होने वाली है। ओवरऑल काफी अच्छी डिस्प्ले होगी। और दोस्तों, इस वाले स्मार्टफोन में कोरकॉम स्नैपड्रैगन 695 5G चिपसेट है जो 6 नैनोमीटर पर बेस्ड है। ऑक्टाकोर प्रोसेसर है और रेडिनो 619 GB होगा। वैसे ओवरऑल परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी होने वाली है, गेमिंग भी आप इसमें अच्छी खासी ग्राफिक्स पर कर पाओगे। साथ में इधर 108 मेगापिक्सल ट्रिपल ईयर कैमरा सेटअप होगा, जिसमें 108 मेगापिक्सल मेन प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल मैक्रो कैमरा और फ्रंट में 16 मेगापिक्सल की सेंटर पंच होल सेल्फी होने वाले है। वैसे आप रियर कैमरे से 4K वीडियो शूटिंग कर पाओगे और फ्रंट में भी आप फुल HD वीडियो शूटिंग कर पाओगे। ओवरऑल पिक्चर्स क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छी होने वाले हैं। और दोस्तों, इधर 5000 mAh की बैटरी होगी, साथ में 67 वाट का फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट होगा। ओवरऑल बैटरी कैपेसिटी अच्छी है, चार्जर भी अच्छा है, USB टाइप सी पोर्ट का भी सपोर्ट होगा। इसके कुछ अच्छा फीचर्स के बारे में बात करें, इधर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस लॉक अनलॉक का सपोर्ट, लेटेस्ट ब्लूटूथ और वाईफाई वर्जन और आ दोस्तों MIUI 13 मिलेगा जो Android 12 पर बेस्ड है। ओवरऑल ये स्पेसिफिकेशन के साथ रेडमी नोट 11 प्रो 5G इंडिया में लॉन्च होने वाला है। अब इसके प्राइस और वेरिएंट्स के बारे में बात करें, वैसे दोस्तों इसके कुछ दो वेरिएंट लिखे हुए हैं, जिसमें 6GB की रैम 128GB की स्टोरेज और 8GB की रैम 128GB की स्टोरेज। इसका जो बेस वेरिएंट होगा 6GB की रैम 128GB की स्टोरेज, उसकी प्राइस इंडिया में 25,000 के आसपास होगी, ऐसे लीक निकल कर आ रही है। वैसे दोस्तों, आप क्या क्या ख्याल है रेडमी नोट 11 प्रो 5G के बारे में, क्या आप एक्साइटेड हो, क्या आप वेट कर रहे हो, आप मुझे नीचे कमेंट करके भी बता सकते हो। तो दोस्तों, इतना था आज के वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इंटरेस्टिंग मोबाइल स्पेसिफिकेशन अनबॉक्सिंग वीडियो देखना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे कर दीजिए। तो मिलता है अगली वीडियो में, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।